सफरनामा। नमस्कार साथियों, इस वक्त आप देख रहे हैं सफरनामा। सफरनामा में खास इस वक्त विधानसभा जोराबाद में पहुंचे हैं और आज हमारे साथ सुभाषपा के एक ऐसे जो है तीर्थराज नेता है, बड़ी जो है बेबाकी से बातें रखते हैं, उनसे बात करेंगे। क्योंकि इनका जो है अदर पार्टियों से, जो महेंद्र राजभर जी की जो पार्टी है उन पार्टी से इनका इतना जो 36 का आंकड़ा रहता है, हमेशा जो है बेबाकी बातें रखने का काम करते हैं। स्वागत है भी इनकी। बहुत बहुत धन्यवाद। 36 का आंकड़ा मतलब विचारों का विरोध रहता है, केवल मतलब कोई दुश्मनी नहीं है, राजनीति में दुश्मनी नहीं होता, विचारों का विरोध। कभी आप ही के पार्टी से घनिष्ठ संबंध था, आज विचारों का विरोध क्यों? नहीं, घनिष्ठ संबंध नहीं था हमारे पार्टी के, में पहले वो काम करना सीखे, राजनीति कैसे किया जाता है वो सुभाषपा से ही सीखे। अच्छा, मतलब कोई इस पार्टी को छोड़कर चला जाए तो आप कहिएगा कि वो इस पार्टी से सीखे हैं, उसके बाद राजनीति करना नहीं आता। देखिए, आप कहीं भी जाएंगे, हम किसी भी कॉलेज में पढ़ाई कर लें, लेकिन पहले जब पढ़ाई की बात आएगी तो यही होगा कि प्राथमिक शिक्षा आपने कहाँ से लिया है, माने कौका गगल पढ़ना आपने कहाँ से सीखा? सुभाषपा पार्टी से ही आप लोग का राजनीति का ककारा उन्होंने सुभाषपा से ही पढ़ के गया। उनको कहाँ पता था कि मंच पे जाके माइक कैसे पकड़ना है, उनको कहाँ पता है कि मंच पे जाके पहले उद्बोधन कैसे होता है, ये तो नेताजी ने सिखाया ना उनको, क्या मंच पे चढ़ो तो पहले जय सुवल दे बोला करो और लोगों ऐसे ऐसे बोला करो, उनको कहाँ कुछ पता था यार। नेताजी उनको हाथ न रखते सर पे तो वो तो डगराते रहते कहीं। अच्छा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कुछ नहीं आता था, जो एक बड़े स्तर पे जो है आज उनका नाम भी है महेंद्र राजभर, जो है घोसी चुनाव में पूरा जो है धमाल मचा दिए थे, आज जिनको हल्के में ले रहे, कभी वो सुभाषपा मुखिया को चित करते नजर आए थे। मीडिया को मसाला चाहिए था, कहाँ वो बड़े हैं भैया, उनके कई बार आपसे एक बार और बोल दिया, उनके पास 5 बूथ है, अध्यक्ष नहीं है तो कौन सा बड़ा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, बड़ा नहीं मानते हैं? कैसे बड़ा माने भाई, जहाँ के रहने वाले हैं उनके गाँव में उनके साथ 10 लोग नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी के जो दावे जो किए गए थे घोसी चुनाव में, उस दावे को वो लोग जो है फेल कर दिए। उन्होंने नहीं फेल किया, पूरे उन लोगों का कहना है, बयाने सामने आ रही है कि महेंद्र राजभर के गठबंधन से बयान देने में क्या जाता है। अच्छा। बयान देने में क्या जाता है, मीडिया में आके कुछ भी बयान दे तो चर्चा बना रहेगा, और ये बयान सुन के अखिलेश जी खुश हो जाएंगे, अपना माल पानी लेते रहना। ओम प्रकाश राजभर भी तो कभी अखिलेश यादव जी से गठबंधन करके यहाँ के विधायक दूसरी बार, गरीबों के मसीहा, किसानों की आवाज, मजदूरों की आवाज, मानी नेता जी ओम प्रकाश राजभर जी। मतलब अखिलेश यादव से अगर ओम प्रकाश राजभर गठबंधन करते हैं तो आप अच्छा मानते हैं, वही महेंद्र राजभर गठबंधन करते हैं तो आपको? सुभाषपा का पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ हमारा संगठन नहीं है, और महेंद्र राजभर का कहाँ संगठन है? नहीं, वो सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, क्यों नहीं? नहीं, वो जो मैं आपसे कहा कि जब अखिलेश यादव से ओम प्रकाश राजभर गठबंधन करते हैं तो अच्छा लगता है, अच्छा नजर आता है, जब वही महेंद्र राजभर का गठबंधन करते हैं तो आप लोग विरोध करते हैं। कौन सा क्या विरोध, हम क्यों विरोध करें? आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव से गठबंधन किए कुछ माल पताई के लिए। अरे यार, कुछ है नहीं हमारा, हमसे गठबंधन हुआ तो पूर्वांचल में भाजपा साफ हो गई थी, याद रखिए, पूर्वांचल में भाजपा साफ हो गई थी, ये माननीय नेताजी की देन थी। अब हम लोग भाजपा के साथ हैं, एकदम पताखा फहरेगा। अच्छा, क्या ऐसा मसला आ गया कि कभी भाजपा को साफ करने में लगे और कभी उसी भाजपा को बढ़ावा देने में लगे? देखिए, राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोष नहीं होता, और हमारी पार्टी है और विचारों पे और किसी कार्य पे जाके गठबंधन होता है, और कार्य नहीं होता है तो आदमी गठबंधन टूट जाता है। कोई हमारी पार्टी है, कोई विलय तो हुआ नहीं था किसी पार्टी के साथ, हम लोग किसी पार्टी के गिरवी तो है नहीं, गठबंधन तो बनता बिगड़ता रहता है ना, पहली इतिहास में पहली बार किसी पार्टी का गठबंधन तो बिगड़ा नहीं, तमाम पार्टियां हैं, शिवसेना भाजपा का गठबंधन था महाराष्ट्र में, कितने सालों का पुराना, टूट गया, यहाँ नीतीश जी का भाजपा के साथ था वो भी टूट गया, वहाँ पे प्रकाश सिंह बादल जी का पंजाब में गठबंधन था अकाली दल का वो भी टूट गया, तमाम ऐसे समाजवादी पार्टी का भी पहले कांग्रेस से गठबंधन हुआ वो टूटा, बसपा से हुआ वो टूटा, हम लोग से टूटा, तमाम ऐसे होते हैं, टूटते रहते हैं, ये सब बनता बिगड़ता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। अच्छा, एक हाल ही में जो है चर्चा का विषय यह बन रहा है कि ओम प्रकाश राजभर अमित शाह जी से मिलकर आए हैं, सबके चेहरे पे खुशियां भी मंडरा रही है कि शायद जल्दी मंत्री बनने की खबर आएगी। अब हम लोगों ने तो कोई सुभाषपा पार्टी का कोई नेता तो ऐसा बोला नहीं होगा। नहीं, सबके सामने एक चर्चा का विषय बन गया है, अपने मन से ही लोग चर्चा कर रहे हैं ना, किस लिए वो मिले हैं, किस काम के लिए मिले हैं, नेताजी आपसे बातें करेंगे मीडिया में तो बोलेंगे क्यों, मतलब क्यों मिले हैं, कभी उन्होंने अपने मन से तो कहा नहीं, लेकिन ये सही है कि जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो नेताजी मंत्री बनेंगे, अब कब होगा ये सहयोगी पार्टी जाने।
विरोधी का कहना है कि कभी नड्डा जी के साथ मिल रहे हैं, कभी अमित शाह जी के साथ मिल रहे हैं, लेकिन किसी से मिलेंगे मंत्री इन्हें नहीं बनाया जाएगा, और ये जो है अपना रास्ता खोज रहे हैं कि कहाँ अब ये जो है अपना जगह ग्रहण। तो जो जो विरोधी कह रहा है उनसे ये पूछिए कि आपका भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से आपकी बात होती है क्या, आप कैसे जानते हैं? भाजपा की सरकार है, अब भाजपा को मंत्रिपरिषद का विस्तार करना है तो वही बताएंगे ना कि बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो क्या जो विरोधी पार्टी का उधर रख दो, क्या विरोधी पार्टी के कोई नेता किसी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बात किया है क्या, कैसे उसको पता है? अच्छा, ये उनसे ये पूछ लीजिए, क्या जिस पार्टी के आप नेता हो क्या कभी फोन पे शीर्ष नेतृत्व से बात होती है, दूसरे पार्टी के बारे में बात में सोचे? अच्छा, अभी मतलब उसका कोई खुलासा नहीं हो रहा है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन ये बताइए कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, तैयारी की बात किया जाए तो क्या निर्देश आप लोग को मिल रहा है और कैसे तैयारी चल रहा है? हम लोग 12 महीना एकदम चुनावी मूड में रहते हैं। अच्छा, हमारा संगठन हमेशा रिपेयर होता रहता है, हम लोग कभी भी चुनाव हो जाए, हम लोग का पूरे उत्तर प्रदेश में बूथ स्तर पर बहुत तेजी से काम हुआ है और हमेशा हम लोग का काम चलता रहता है। कभी भी चुनाव सुनी ले लीजिए, कभी भी चुनाव होगा हमारा, हम पार्टी और हमारी गठबंधन की पार्टी चुनाव लड़ने के लिए हम लोग अलर्ट रहते हैं, एकदम अलर्ट मूड में है। चुनावी रण में क्या लग रहा है कि सामना किससे कौन आगे बढ़त दिख रहा है? यहाँ कोई लड़ाई ही नहीं है, लड़ाई बसपा जिसके साथ रहेगी उसका एकदम फतह है, मतलब लड़ाई आप मन में नहीं? मैं नहीं मानता कि कोई लड़ाई है राजनीति में, कोई ये नहीं कहता कि मैं हार रहा हूँ पहली बात। अच्छा। क्योंकि ऐसा वो बोलेंगे तो उनके कार्यकर्ताओं का दिल टूट जाएगा, काम करना छोड़ देंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि सुभाषपा जिसके साथ रहेगी, अब तो पश्चिम में भी हमारी ताकत बढ़ गई है, पूर्वांचल में जिसके साथ रहेगी उससे कोई लड़ नहीं पाएगा। हम लोग समाजवादी के साथ 2022 में चुनाव लड़े विधानसभा के, बताइए बीजेपी कहीं लड़ पाई कहीं? गाजीपुर में कैट सीट पर लड़ी बताइए, लड़ी गठबंधन में थे, लड़ी तो अब गठबंधन भाजपा से हो गई ना, तो क्या लड़ी? अच्छा, क्यों लड़ी? कोई नहीं लड़ेगा, कैसे लड़ेगा? आज समीक्षा बैठक से समाजवादी पार्टी का इसी विधानसभा में रखा गया था और उस पार्टी के सभी कार्यकर्ता यह कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का ही यहाँ से विजय होना है, अब क्या माना जाए आप बताइए? तो कैसे कह देंगे हम विजय पर है कि यहाँ कोई जो है लड़ाई नहीं है, वो कैसे कह देंगे कि हम मतलब हार जाएंगे, वो कैसे कह देंगे आप बताइए, माना क्या जाए? आप यहाँ कर किसी से लड़ाई नहीं लीजिए ना, भाजपा विधानसभा में 85,000 वोट पाई थी यहाँ और हम लोग 1,18,000 के आसपास पाए थे और उसमें से सुहलदेव पार्टी का वोट निकाल दीजिए, जोड़ लीजिए कौन जीत रहा है। अच्छा, इस समीकरण कभी फेल भी हो जाए, कभी इस कैसे फेल होगा ये समीकरण? दिन रात पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबके दुख सुख में सम्मिलित होते हैं, हम लोग काम करते हैं और ये कारवा हम लोग का और बढ़ता जा रहा है और मजबूत हुआ है, फेल होने का तो सवाल ही नहीं है। अच्छा, ये 2024 में लड़ाई मंत्री बनने के बाद दुगुना होने की है या मंत्री न बनने के बाद भी दुगुना बीजेपी के साथ रहेगी? मंत्री ओंतरी कोई मामला नहीं है, हम लोग बीजेपी के साथ हैं और रहेंगे। लोगों का ये कहना है कि मंत्री बनने का एक लोभ है, मंत्री बन जाएंगे तो फिर अपना रास्ता, कौन लोग हैं उनको आगे की जानकारी है तो पूछ लीजिए कि उनके बारे में क्या होगा, पहले अपने बारे में ही बता दें, अगर उनको बहुत जानकारी है तो अपने बारे में बता दें, ज्योतिषी हैं तो। मेरा दल है, हम लोग किसी गुलाम थोड़ी हैं।